और अदालत की जो है ना उसके ऊपर मोर लग जाएगी, मोर सख्त हो जाएगी। मैं एक दो सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ वजीर आजम से कि 7 मार्च को आप कहते हैं कि आपको ये खत मौसूल हुआ जिसकी बुनियाद पे आप हमें गद्दार कह रहे हैं, 200 अरकान को कौमी असेंबली के जो करोड़ों आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप उनको गद्दार कह रहे हैं, 7 मार्च के बाद 25, 26, 27, 28, 29 मार्च को आप इन तमाम गद्दारों के दरवाजों पे जाके इनकी दहलीज पे अपना माथा टेकते रहे, सजदा रेज होते रहे, MQM के पास आप कराची गए, उनके ऑफिस में गए, आपके गवर्नर साहब सिंध के और 7 दूसरे बड़े लोग आपकी पार्टी के, रात जो है 3:30 बजे जो है पार्लियामेंट लॉजेज में MQM के पास गए, आप इन गद्दारों के पास जो है अपने आप को अदम इतमाद से बचाने के लिए उनके दरवाजे खटखटाते रहे पार्लियामेंट लॉजेज में, आप खालिद मक्सी के पास जो रानमा है बलोचिस्तान अवामी पार्टी के उनके पास गए, उनसे तरले मिलते की वोट के लिए, आप तकरीबन सब लोगों के साथ मिलने गए, उस वक्त आपको ख्याल ना आया कि ये गद्दार है, उस वक्त गद्दारी का लेबल उन पर लगाना जो है वो आपने मुनासिब ना समझा क्योंकि आपको उम्मीद थी ये लोग आपको वोट दे देंगे, आपने अपने मुनारफीन जिन्होंने आपसे इख्तलाफ किया 20-21 जो वोटर हैं आपकी पार्टी के PTI के, आपने उनको कहा कि मैं तुम्हारे वालिद की जगह हूं, बाप की जगह हूं, वापस आ जाओ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, उस वक्त आपको ख्याल ना आया कि ये लोग गद्दार हैं और ये उन सफों में शामिल हो गए हुए हैं जो गद्दारों की सफ है, तो ये एक घोषणा है जिसकी बुनियाद के ऊपर असेंबली को डिसॉल्व किया गया, आइन शिकनी हुई, चले यहां तो हम गद्दार थे, वो जो परवेज अलाई साहब जो कुछ कर रहे हैं पंजाब के अंदर वो भी सारे के सारे 200 के 200 गद्दार हैं, इस मुल्क में मुहिब्बुल वतनी के ऊपर सिर्फ आपकी मोनोपोली है, सिर्फ आपका हक है, आप जिस वक्त अमेरिका गए थे आपके उस वक्त जो है आप वापस आए थे आपने कहा था मुझे 92 के कप की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी अमेरिका जाके हुई है, उसके बाद आपके जो सफीर है उन्होंने 14 तारीख को एक अलविदाई डिनर के अंदर उसी शख्स की तारीफें की और उनको पाकिस्तान का जो है बहुत बड़ा दोष करार दिया डोनाल्ड लू साहब को, उस वक्त गद्दारी का आपको ख्याल ना आया जब आपने 21 दिसंबर को डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स की उसको आपने बुलाया, उस वक्त आपको ख्याल ना आया कि एक साजिश हो चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की आवाम की के इज्तमाही शऊर को जो है अंडर रेट ना करें, उसकी तोहीन ना करें, पाकिस्तान की आवाम जो है इस तमाम फ्रॉडियों के चेहरों को पहचानती है, आपने जिस तरह आपके हवारियों ने आपके नाम पे और आपका पता नहीं क्या आपको कहां कहां से बता पहुंचता था, जितनी दौलत इकट्ठी की है पिछले 4 साल के अंदर पाकिस्तान के पिछले 73-74 साल के अदवार का अगर आप टोटल भी लगा लें तो किसी ने इतनी दौलत को करप्शन में इकट्ठी नहीं की जितनी पिछले 4 साल में इकट्ठी हुई है, ये झूठ का जो है पलंदा और झूठ के सारे हुक्मरानी जो है ये अब नहीं चलेगी, इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन से नहीं भागते, हम इलेक्शन से पिछले 4 साल के तैयार हैं, 2018 में जब हमसे ज्यादती हुई थी इलेक्शन रिग किए गए थे, इसको सिलेक्ट किया गया था, उस सिलेक्शन का क्या हाल हो गया, पाकिस्तान के आवाम रुल गए हैं, महंगाई में रुल गए हैं, बेरोजगारी में रुल गए हैं, एक बड़ा बधाई जो इसने पूरा किया हो, एक नारा जो इसने लगाया हो जिसमें अमल दरामद हुआ हो पिछले 4 साल में, ये शख्स झूठा है, फ्रॉडिया है, इसने पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया है, ये शख्स जो है इसकी मोहब्बत मैं किसी की
हब वतनी के ऊपर शक नहीं करता, लेकिन जब हमें गद्दार की कहा जाएगा तो इसकी मोहब्बत वतनी के ऊपर शक करने की बेशुमार जो है शहादतें मिलेंगी। मैं हम सब इस वक्त इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का। अल्लाह ताला वर्डिक्ट जो है पाकिस्तान के हक में आए, पाकिस्तान के अवाम के हक में आए, पाकिस्तान की बेहतरी के हक में आए, आइन के दवाम के हक में आए, आइन की मजबूती के हक में आए, कानून शिकनी के खिलाफ आए, अदारों के हक में आए, हमारी पार्लियामेंट के हक में आए, ताकि पार्लियामेंट मजबूत हो पाकिस्तान के अवाम के 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिशों का जो मजर है जो ईमान वो मजबूत हो। कमाल है नल्ला।